हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। बॉलीवुड में इस साल एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली। किसी ने आपको जमकर हंसाया तो किसी ने आपको रुलाया भी। कुछ किरदार तो ऐसे रहे जो आपको सालों तक याद रहेंगे। इस साल जहां बॉलीवुड के एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया, वहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। तो चलिए, इंतजार किस बात का, बताते हैं आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो इस साल रही हैं सुपर डुपर हिट। दीपिका पादुकोण, लीला बनकर राम का दिल चुराया, मस्तानी बनकर बाजीराव का चैन चुराया और पद्मावती बनकर अलाउद्दीन को खूब भगाया। बता दें कि इस साल दीपिका ने पद्मावती बनकर सबका दिल जीत लिया। जहां इस फिल्म को काफी विवादों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई कर सबका मुंह बंद कर दिया। फिल्म में दीपिका की एक्टिंग देखने लायक थी। अपनी सादगी और भोलेपन से दीपिका इस साल की हिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर है। आलिया भट्ट, कम समय से सफलता का स्वाद चखने वाली आलिया भी इस साल की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं। इस साल आलिया की राजी रिलीज हुई थी, जिसे ना सिर्फ क्रिटिक्स ने पसंद किया बल्कि फैंस को भी ये फिल्म बेहद पसंद आई। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की थी और आलिया के करियर में भी इस फिल्म ने 4 चांद लगा दिया। अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड की इस हसीना ने यूं तो इस साल 4 फिल्मों में काम किया है, लेकिन सुई धागा और जीरो में उनकी एक्टिंग ने कमाल कर दिया। जहां एक तरफ सुई धागा में अनुष्का वरुण के साथ एकदम देसी अवतार में नजर आई, वहीं जीरो में एक दिव्यांग के रोल को भी अनुष्का ने बेहद ही दिल से निभाया। इसलिए इस लिस्ट में इस खूबसूरत हसीना का नाम आना तो लाजमी था। करीना कपूर खान, बॉलीवुड की बेबो करीना भी इस साल की सुपरहिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं। फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना ने अपने बोल्ड अंदाज से हर किसी का दिल धड़काया था। फिल्म में करीना के साथ सोनम स्वरा और शिखा ने भी शानदार काम किया था। ये फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि बॉक्स ऑफिस पर करीना की ये फिल्म सुपरहिट रही थी। बता दें कि तैमूर के जन्म के बाद करीना की ये पहली फिल्म थी। श्रद्धा कपूर, इस लिस्ट में आलिया का नाम हो और श्रद्धा कपूर पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म में चुड़ैल बनकर श्रद्धा ने दर्शकों को इतना डराया कि मैडम इस साल की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। बता दें कि स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। वहीं इनके अलावा इस साल की हिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सोनम कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान और एमी जैक्सन जैसी एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। We'll be right back.